Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Part Pandra Kathin Shabd. Number eight Prabhauhin. नंबर दो स्वाभिमान नंबर तीन वाचाल नंबर चार क्रियाशील नंबर पांच गमछा नंबर प्रमाण, नंबर सात बत्तीस नंबर आठ मौलिक नंबर नौ अस्वीकृत नंबर दस अक्षर ज्ञान नंबर ग्यारह व्यवस्था नंबर बारह अद्भुत नंबर तेरह अर्पण नंबर चौदह छुट्टी नंबर पंद्रह बड़बड़ाता बच्चों अब हम पाठ में आए मौखिक प्रश्नों के उत्तर समझते हैं प्रश्न एक गोपी को क्या क्या काम करने पड़ते थे उत्तर गोपी सुबह आठ बजे से रात के आठ बजे तक दफ्तर में रहता था और छोटे बड़े सब बाबू के घर बाहर और दफ्तर का सब काम करता था वह बहुत होशियार परिश्रमी और चुस्त था इसलिए सब उस पर निर्भर रहते थे प्रश्न दो तो, दूसरों के खेत से चुपचाप घास लेने के बारे में गोपी के क्या विचार थे उत्तर गोपी को लगता था कि किसी के खेत से थोड़ी सी घास लेना बुरी बात नहीं है क्योंकि बाबू भी तो दफ्तर में जेबें भर भर कर ले जाते हैं प्रश्न तीन गोपी हाथ में लकड़ी क्यों रखता था उत्तर गोपी को कुत्तों का डर बना रहता था इसलिए वह हाथ में लकड़ी रखता था प्रश्न चार गोपी के बारे में पढ़ने के बाद आपको उसके कौन कौन से गुण अच्छे लगे उत्तर पढ़ा लिखा ना होने पर भी गोपी में इतनी समझ थी कि वह किसी भी स्थिति को अच्छी तरह संभाल लेता था पढ़ा लिखा होने से कोई बुद्धिमान नहीं होता कई लोग अनपढ़ होकर भी सहज बुद्धि से बुद्धिमान होते हैं। गोपी ऐसा ही था बच्चों अब हम पाठ में आए लिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर समझते हैं प्रश्न एक गोपी लेखक का ध्यान क्यों रखता था उत्तर गोपी लेखक के आचार विचार से खुश था लेखक भी गोपी को प्यार करते थे गोपी को कभी फटकारते नहीं थे इसलिए गोपी लेखक का ध्यान रखता था प्रश्न दो उसमें ऐसा क्या था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है आज वही ऐसा कुछ खो गया है इस वाक्य में लेखक के मन में कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं उत्तर इस वाक्य में लेखक के मन का अपनापन का भाव प्रकट हो रहा है गोपी बहुत ही मेहनती कर्मशील और दयालु इंसान था ऐसे सच्चे लोग आजकल कम ही मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा गुण था मानवीयता जो आज मनुष्यों में कहीं खो गई है निम्नलिखित संकेत गद्यांश को पाठ में पढ़कर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए गोपी प्रसन्न होता था तो क्या अर्पण करता था सोना धन प्राण सही उत्तर है प्राण नंबर दो बीमार माता जी को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी जड़ी बूटी की दवाइयों की सेवा की सही उत्तर है जड़ी बूटी की नंबर तीन गोपी ने रविवार की सुबह किसको आवाज़ लगाई नौकर को मालिक को लेखक को सही उत्तर है लेखक को निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए संधि का अर्थ होता है जोड़ना और संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं और उन्हीं मेल को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है जैसे हिमालय हिमालय हिम प्लस आल्य हमने हिमालय का संधि विच्छेद किया हिम प्लस आल्य तो इसका संधि विच्छेद करने से पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ ई प्लस बड़ी ई छोटी ई प्लस बड़ी ई इज इक्वल टू बड़ी ई छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इजक्वल टू बड़ा ऊ ए प्लस ए इज इक्वल टू ए बड़ा ए ओ प्लस ओ इज इक्वल टू यानी अगर अ की मात्रा और अ की मात्रा छोटे अ और अ प्लस होकर होता है आ और अ और आ प्लस होकर भी आ ही होता है यानी कि अगर छोटे के साथ छोटी मात्रा जुड़ती है तो भी बड़ी मात्रा होती है और अगर छोटे के साथ बड़ी मात्रा जुड़ती है तो भी बड़ी ही होती है जैसे हिमालय में म में अ की मात्रा है और आ तो इधर है ही हिम में म अ की मात्रा है और प्लस आलय है तो फर्स्ट अक्षर आ है तो हमें पहले वाले शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे वाले शब्द का पहला अक्षर देखना है कि उनमें कौन सी मात्रा है तो इसमें है हिम में अ और आ है तो अ प्लस आ हुआ क्या आ तो इसीलिए बना हिमालय ऐसे ही है पुस्तकालय तो पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आल्य इसमें भी लास्ट में आ है और स्टार्टिंग में आ, तो आ, आ जुड़कर हुआ आ पुस्तकालय अब ऐसे ही आइए हम इन दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करते हैं जन्मांतर जन्मांतर में जन्म प्लस अंतर इज इक्वल टू जन्मांतर अब इसमें भी लास्ट में अ और स्टार्टिंग में भी अ है तो छोटा अ और अ जुड़कर हुआ आ परोपकार पर प्लस उपकार तो पर इसमें लास्ट में है अ की मात्रा और उ और फिर स्टार्टिंग में है उ तो अ प्लस उ जुड़कर हुआ ओ इसीलिए बना परोपकार सदाचार सद प्लस आचार इसमें भी लास्ट में अ और स्टार्टिंग में आ तो सद प्लस आचार सदाचार निसंदेह निसंदेह में नि प्लस संदेह लोकोक्ति लोक प्लस उक्ति इसमें भी लास्ट में अ है और स्टार्टिंग में उ है तो अ प्लस उ जुड़कर हुआ ओ तो बना लोकोक्ति निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखा हुआ है अब आप इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए चुटकी लेना छेड़ना हाथ पीले करना विवाह करना ठहाका मारना जोर से हंसना, पछाड़ देना हरा देना आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना खून उफनना बहुत गुस्सा करना मुहावरों के दिए गए अर्थों का प्रयोग करके विद्यार्थी वाक्य स्वयं बनाएंगे निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण व विशेष्य कर लिखिए तो बच्चों जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि विशेषण क्या होते हैं और विशेष्य क्या होते हैं विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेष्य वे होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही है जैसे ऊंचा और विशाल दरवाजा तो इसमें ऊंचा और विशाल जो है वो विशेषण है और विशेषता किसकी बताई जा रही है दरवाजे की तो दरवाजा क्या है विशेष्य सुंदर नक्काशी अब नक्काशी कैसी है सुंदर है तो सुंदर क्या है विशेषण और विशेष्य जो है वो है नक्काशी क्योंकि नक्काशी के बारे में बताया गया है कि नक्काशी जो है वो वह सुंदर है हरे पत्ते पत्ते कैसे हैं हरे हैं तो हरे क्या है विशेषण और पत्ते विशेष्य काले बादल बादल कैसे हैं काले हैं तो काले क्या है विशेषण और विशेष्य क्या है बादल क्योंकि बादलों को काला बताया गया है मीठी वाणी वाणी कैसी है मीठी है तो विशेषण क्या है इसमें मीठी और विशेष्य वाणी क्योंकि वाणी को मीठा बताया गया है भयानक जंगल जंगल कैसा है भयानक है तो विशेषण क्या है भयानक और जंगल क्या है विशेष क्योंकि जंगल को भयानक बताया गया है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं वर्ण दो तरह के होते हैं स्वर व्यंजन दूसरे शब्दों में स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद है वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्रा को पहचानना पड़ता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को प्रयोग में लाया जाता है जैसे नटखट नटखट में न प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस ख प्लस अ प्लस ट प्लस अ अब इसमें क्या है कि न में स्वर आ रहा है और ट में भी स्वर है और ख में भी स्वर है और ट में भी स्वर आ रहा है अब ऐसे ही आसमान आसमान में आ प्लस स प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस न प्लस अ अब जैसे आसमान में आ तो पहले ही स्वर है फिर स में अ स्वर है म में आ स्वर है और न में आ स्वर है अब ऐसे ही चंचल चंचल में च प्लस न प्लस च प्लस अ प्लस ल प्लस अ शरीर श शा प्लस अ प्लस र प्लस ई प्लस र प्लस अ श में अ स्वर है रा में बड़ी ई री है ना तो उसमें बड़ी ई स्वर है फिर र में अ है फिर गोपी ग प्लस ओ प्लस प प्लस ई ऐसे ही ग में ओ का स्वर है और प में बड़ी ई का स्वर है निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए यानी अनेकार्थक शब्द अनेकार्थक शब्दों में शब्द तो एक ही होता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं जैसे जल जल का एक अर्थ होता है पानी और दूसरा अर्थ होता है जलना कनक कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और दूसरा अर्थ होता है सोना मत मत का एक अर्थ होता है नहीं और दूसरा अर्थ होता है विचार सुर सुर का एक अर्थ होता है संगीत की लय और दूसरा अर्थ होता है देवता मधु मधु का एक अर्थ होता है शहद और दूसरा अर्थ होता है शराब मगर मगर का एक अर्थ होता है लेकिन और दूसरा अर्थ होता है मगरमच्छ। तो बच्चा आपने देखा कि इन सब शब्दों में शब्द तो एक एक ही हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं तो इसीलिए इन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है